आज हम लोग देखेंगे कार्बन नीड्स कंपाउंड का टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है। तो नेम से सजेस्ट हो रहा है स्ट्रक्चर, यानी एक बनाते हैं चेन, कार्बन का चेन, ये कार्बन का चेन है, एक और बनाते हैं ये कार्बन का चेन है। तो क्या है, कार्बन तो चार है, इसमें भी कार्बन चार है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, लेकिन दोनों का मोलेक्युलर फॉर्मूला, मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम है। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इसका एक डिफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो क्या है, कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 सी फोर एच, 3 3 6 2 8 2 10 ये हो गया फॉर्मूला। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसी का, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, तो इसमें भी चार कार्बन है और हाइड्रोजन सेम है, C4H10। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है, कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।